अब देखते हैं हमारा जो वेरिएबल्स ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं तो लोकल हो सकता है ग्लोबल हो सकता है और स्टैटिक हो सकता है तो थ्री टाइप्स के वेरिएबल हो सकते हैं तो जो सबसे पहला वाला हम देखते हैं कि आखिर लोकल वेरिएबल ये क्या होता है तो लोकल वेरिएबल जो होता है किसी भी फंक्शन के लिए लोकली अवेलेबल होता है मतलब किसी भी जो फंक्शन है उसके बॉडी तक ही वो डिफाइन होता है और जहाँ अगर उसके बॉडी के किसी भी फंक्शन के अगर आउट ऑफ बॉडी अगर हम उसे एक्सेस करना चाहें तो वो अवेलेबल नहीं होगा तो अब यहाँ पे माई फंक्शन हो गया ये एक हमने वेरिएबल ले लिया ए बी ए में वैल्यू टू दिया और थ्री बी में थ्री दिया तो ये जो ए और बी ये जो एक्सेसिबल है बस माई फंक्शन में ही हम एक्सेस कर सकते हैं इसके बाहर अगर हम कहीं एक्सेस करना चाहें तो हमें एरर आएगा जैसे अब ये दूसरा एक फंक्शन हो गया माई फंक्शन टू इसके अंदर भी दो वेरिएबल हो सकते हैं और ये इसका अपना है ए बी ये इसका अपना है उसी तरीके से मेन जो है इसमें भी दो वेरिएबल हो सकते हैं सिक्स हो गया सेवन हो गया और ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये बी जो है ये माई फंक्शन को बस इस ए बी के बारे में पता है इस ए बी के बारे में नहीं पता इसी तरीके से जो मेन फंक्शन है इसको बस इस ए बी के बारे में पता है बाकी इन दोनों के बारे में नहीं पता इसी तरीके से ये जो है माई फंक्शन टू इसको बस इस फोर और थ्री के बारे में ही पता है बाकी के बारे में नहीं पता तो कि कोई भी वेरिएबल अगर लोकली अवेलेबल है तो ये जो करली ब्रेसेज है उस बॉडी के इनसाइड तक ही उसका स्कोप होता है उसके बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते तो ये जो होता है हमारा लोकल वेरिएबल होता है और इसके बाद अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल